मेट मिस्टर कैनेडियन बॉय ललित धारिया, शारिम मलिक, डीजे अजय, राघव सूद। भाई कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं अफसोस भाई कहीं भी आप लेके जाओगे। अच्छा, और शारिम मलिक आप कहाँ जा रहे हो? हम जाएंगे ऊपर। ऊपर कहाँ? ऊपर वहाँ ऊपर आसमान में हम जाएंगे, पानीपत की झाड़ियों में। ठीक है, अब राघव भाई बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। भाई बताओ। हम जा रहे हैं मोहन नेशनल पार्क। भाई कहाँ पर है वो? सोलन से आगे। सोलन से? हाँ आगे तो नहीं है, सोलन के साइड से ही रास्ता जाता है। सोलन जैसे क्रॉस होता है वैसे कट आता है वहाँ से। हमने और वहाँ पर अच्छी मतलब खड्ड भी है एक, वहाँ पर अच्छा मतलब बैठने के लिए कैंपिंग साइट्स भी है। अगर आपके पास अपना सामान है, टेंट है, आपको वहाँ पर मिल भी जाता है। अगर आप खड्ड की साइड पर जाओगे तो आपको वहाँ पर टेंट भी मिलेगा। I just wanna know if I'm being real with you, that you'll be real with me. We should talk. I know I made mistakes and I've done things wrong. Didn't appreciate you until you were gone, but you're back now and I ain't gonna back down. Hello guys, kaam ho gaya sab? Jannat mein. Jannat? Haan, bol sakte ho. Jannat. Kaisa lag raha hu? ये भाई लोग देखो हम कहाँ पहुँच गए। ये है मोहन नेशनल पार्क, सोलन में है। काफ़ी अच्छी प्लेस है। अभी मतलब यहाँ से मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर नीचे जाना हमने डाउनहिल। तो वहाँ पर है जो पार्क जहाँ हमने जाना है, हेरिटेज पार्क है। ये शेरी बाबू, कहाँ पहुँच गए आप फिर? कहाँ पे पहुँच गए हम? ये मोहन का पार्क है ये। हाँ, ये मोहन अंकल का पार्क है। तो वहाँ पर अभी हम जाएंगे नीचे, मतलब नदी भी जाती है वहाँ पर। कैंपिंग साइट बहुत अच्छी है, आपको वहाँ पर टेंट भी मिल जाएंगे अगर आप करना चाहो। मतलब एक दिन का ट्रिप अप डाउन आपका हो जाएगा, तो आप टेंट लेके अपने, आपके पास अगर टेंट है तो आप वो भी अपने यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी दिखाएंगे आपको आगे वीडियो में कि मतलब ये कौन सी प्लेस है, कौन सी जगह है। बात है ऐसी, अपने घर जैसी। घर से निकलो छुट्टी वाले दिन, छुट्टी लेके निकलो, पर निकलो ज़रूर, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है, कल हो ना हो। तो इसलिए लाइफ को यार थोड़ा सा जीना सीखो। घर से निकलो, एंजॉय करो, फैमिली के साथ जाओ, फ्रेंड्स के साथ जाओ। मतलब जो आपकी इतनी स्ट्रेस, आपका सारा दिन काम में बिजी, ये वो सब, उससे निकलने के लिए थोड़ी सी आउटिंग ज़रूरी है, ताकि आप की जो लाइफ है ना, आपको एक्सपीरियंसेस मिले लाइफ में। आज संडे था तो ऑफिस से ऑफ था, और भाई अपना कनाडा से आया है वो वाइट, ये वाला कैनेडियन बॉय। तो भाई बोलता कि हमें घुमा के लेके आओ कहीं, तो अगर भाई चलते हैं चलो। मेरा खुद का भी मूड था, मैं अभी लास्ट त्रिवेणी ट्रैक करके आया हूँ। अभी चूरदार का बन रहा था, तो अभी वहाँ पर मौसम सीज़न नहीं है वहाँ पर जाने का, तो अभी इसलिए हम वहाँ गए नहीं। चूरदार जाएंगे समर में। अभी वहाँ का टेम्परेचर और बर्फ स्नो बहुत है वहाँ पर, बहुत हाई होगा वहाँ पे टेम्परेचर अभी, तो इसलिए चूरदार कैंसिल हमारी, मतलब हमारी छुट्टी भी नहीं थी इतनी। तो अभी लोकली मतलब अप डाउन का प्लान किया, भाई ने भी, जो भाई है उसने भी कहीं जाना है कल, और हमारा पीछे देखो वहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है। यस, तो हमने भी मतलब जाना है, ऑफिस भी है कल हमारा, भाई मेरा ऑफिस कलीग है मेरे साथ। ये भाई लोगों कैसा लग रहा है फिर आप दिखाएंगे, आप भी आना भाई जरूर यहाँ पर, जो चंडीगढ़ के मतलब चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली, कहीं के भी लोग हैं ना आसपास के, बहुत अच्छी प्लेस है। दिन इतना अच्छा निकलेगा ना यहाँ पर, जो रूह होती है ना, रूह खुश हो जाएगी, खुश हो ना भाई। हमें भी पता गाड़ी आ रही है, गाड़ी फॉर्च्यूनर थी, मारुति गई है बिना नंबर से। अभी शेरी बाबू काम हो जाएगा, हम पहुंच गए नेशनल पार्क। हम पहुंच गए यहाँ, कौन सा नेशनल पार्क? जाकू मंदिर भाई, वो शिमला में है।
ये दिखाते हैं आपको खूबसूरती खूबसूरती क्या खाने का दिल कर रहा है लंगर सारा मनसा तो भी ले आओ फोटो ली एक भाई आ जाओ स्लो मोशन में क्या चल रहा है स्लो मोशन इफेक्ट डाल हुआ है स्लो मोशन में चल के दिखाइए स्लो मोशन में क्या कर रहे भाई हम हैं। आप मूवी धो लिया और क्या यार ओ हाँ यार भाई क्या हो गया चप्पल में आता भाई किसी भी चप्पल में आता घर से डर लग रहा है कुछ जूता है माय गॉड कितने के लिए था भाई पाँच हजार के 5000 सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ बोलो राखी करेगा आपके शूज की नीचे रख लिया स्कीमें देख रहे स्कीमें भाई की ये देख रहे हो खुफिया जगह पे शूज लगो जा रहे हैं शहरी शहरी के शूज देख लो भाई ऐसे हैं ये भाई फिर से चेक कर लिए भाई पूरे काट गए एक और भाई फोटो खींचना मना है फिर भी हम खींच रहे हैं पकड़े गए ना वो बोल लेंगे फिर अरे बाबू देखो कैसे अपने शूज लेके जा रहा है कहीं चोरी ना हो जाते भाई के इतने महंगे शूज वेरी हार्ड इतने मुश्किल क्यों लिए ये इतने महंगे शूज अगर ये डालने इतने मुश्किल है ये स्लो मोशन में चल के दिखाओ ये तो ये था मोहन नेशनल हेरिटेज पार्क तो इसके बाद हम जाएंगे नीचे अश्विनी खड्ड अश्विनी खड्ड दिखा देते हैं आपको यहाँ से ये रही अश्विनी खड्ड वहाँ नीचे जाएंगे हाँ हाँ ये भाई अब हम आ गए हैं कैंप साइट पे यहाँ पर आपको ये देखो रास्ता देखो पहले का सिर्फ एक शूज एक हल्का सा पैर फिसला
और आप नीचे की तरफ गए। तो ये है कैंप साइड, यहाँ आपको टेंट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, आप नाइट स्टे कर सकते हो यहाँ पर। ये देखो नज़ारा, देखो नज़ारा, देखो नज़ारा। और ये नीचे उतर के फूड पॉइंट है, ये भाइयों ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई हुई है, लास्ट टाइम भी यहाँ पर आया था, अब भी आया हूँ। अभी देखते हैं भाइयों है भी है नहीं भी है। यहाँ ये है कैंप साइड जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ आप अपने टेंट ले सकते हो। ये देखो आप नाइट स्टे कर सकते हो यहाँ पर, टेंट ले सकते हो, खा पी सकते हो। मैं लास्ट टाइम आया यहाँ पर आया था तो बढ़िया था, यहाँ देखो बॉनफायर, रात को भी स्टे किया हुआ इसने। एक दो सिंपल करा लो, हाँ जी। तो भी कैंप का हमने प्राइस पूछा यहाँ पर पर्सन जो छोटा दिखाता हूँ मैं आपको, जो वो वाले छोटे टेंट हैं उनके है पर पर्सन 1000। और मतलब उन पे बेड नहीं है, जो ये फर्स्ट टू हैं इन पे लगवाऊँ बेड, 2% 3500। खाने का बीच में इंक्लूड है इसमें खाना, ये अपनी आग मतलब बॉनफायर वो भी इसमें इंक्लूड है। और आप आ सकते हो अगर आप आना चाहो तो यहाँ पर, मतलब ये देखो व्हीकल भी, आप अगर आप व्हीकल लेके आना चाहो तो ऊपर से कहीं से रास्ता, ये वाला रास्ता है देखो, यहाँ से व्हीकल भी आ जाते हैं। आप अपना मतलब कॉलेज का ग्रुप बनाओ, ऑफिस का ग्रुप बनाओ, फिर यहाँ पर आओ और यहाँ आके देखो इंजॉय करो लाइफ को। सही है, बहुत सही जगह, मतलब आपको एक शांति मिलेगी, एक हिमाचल का टूर हो जाएगा। ट्रैकिंग पॉइंट्स आगे करोल टिब्बा है, वो कर सकते हो अगर आप नाइट स्टे करके यहाँ से सुबह निकलते हो, फिर आप करोल टिब्बा जा सकते हो, ट्रैकिंग कर सकते हो। एक यहाँ पर एक पीछे वाटरफॉल है, वहाँ पर थोड़ा सा इलीगल है वो, तो हम वहाँ गए नहीं, वहाँ पर पुलिस वाले खड़े थे तो थोड़ा सा सीन हो जाता है। तो बस यही है यहाँ पर, बाकी अभी ये साइड जो ये कार खड़ी है, कार के उस साइड मतलब एक अश्विनी खड्ड जिसको बोलते हैं वो है, नदी चलती है वहाँ पर, तो आप वहाँ पर रिवर साइड पर बैठ के फिशिंग कर सकते हो, जो मतलब आपका मन करे कर सकते हो। वो भी मैं दिखाऊंगा, अभी नीचे हम वहाँ पर भी जाएंगे। अभी हमने खाना पीना ऑर्डर किया है भाई लोगों ने, तो वो खाएंगे इंजॉय करेंगे। भाई लोग बैठ गए अपना अपना फ़ोन लेके, स्टोरियाँ डाल रही हैं। बड़ी टेंट्स भी हम आपको दिखा देते हैं। सही है वो छोटे वाला, बाकी टेंट्स ये देख सकते हो आप, अंदर आपको सब कुछ मिलेगा भाई, सब कुछ, लाइट बेड 3500 में 2%। अगर थर्ड पर्सन ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे गद्दा बिछा के सो सकता है। बाकी ये छोटे वाले टेंट हैं, ठीक है, लौंडे लोग तो कर ही लेते हैं एडजस्ट। बाकी अब देख लो जगह ये है, हेलो जी, अपनी मैगी है रेडी, एक मैगी प्लेन मैगी। लल्ली ब्रो कितने चले हो? ओह माय गॉड, तू सिर्फ स्टूल पे बैठे हुए इधर आ गए, स्टूल पे बैठे हुए। लल्ली भाई लड़ेगा, ये राजा भाई इतना कर रहे हैं, जो ये मैगी भी और खाएंगे, जब थोड़ी सी हल्की सी पेट पूजा। ओ भाई, अब हम जा रहे हैं नीचे रिवर साइड पर, ये जा रहा है रास्ता। अब यहाँ से जाएंगे हम कैसे, ऐसे रास्ता यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ पर। और ये अब हम आ गए हैं रिवर साइड पर, और ये रही वो जगह जहाँ पर आप कैंपिंग कर सकते हैं, पैग शेग लगा सकते हैं अपने लौंडो के साथ, जो अपने फ्रेंड्स आपके साथ आएंगे। देख सकते हैं नज़ारा, मेरा नज़ारा। क्या क्या? नहीं भाई, मैं मेरा वाटर प्रूफ, पता नहीं मैंने चेक नहीं किया, नहीं मैं चेक नहीं करना। ये भाई देख लो क्या बोल रहा है, इतना बड़ा रिस्क हम नहीं ले सकते। ग्रुप फोटो कर यार, एक कुत्ते की
अब बोलो, अब क्या बोलना चाहते हो, अपने विचार रखना चाहते हो? आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पे आके? भाई मैं तो कितनी बार आ चुका हूँ, आप बताओ, आप पहली बार आए हो, कैसा एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। अच्छा, और बताओ। मैं होप अब नेक्स्ट टाइम यहीं आएंगे। नेक्स्ट टाइम के नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम ही कहा है? नेक्स्ट टाइम ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम यहीं पर आएंगे। भाई को कैसा लगा? बहुत आनंद आया भाई। हमारे डीजे जैसे जो अपने विचार सांझे करना चाहते थे, विचार अपने विचार रखना चाहते थे आपके बीच में, तो सही कमेंट पे शेयर कर सकते हो। अच्छा, और कमेंट च गाला नहीं कटनी है। अच्छा, और ओके। It starts with